नागपुर स्थित MIC क्लब में शनिवार को इंडिया मीडिया लिंक इवेंट मैनेजमेंट द्वारा रतन नवल टाटा का जन्मदिन के कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर के रवि दादा इंडिया मीडिया लिंक CMD आयोजित अभिनेता अली खान म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेठ डॉक्टर सुरेना राणी मल्होत्रा अभिनेत्री अमित कौर अभिनेता राहुल के रवि व तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहे। रतन नवल टाटा का बिजनेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। रतन टाटा वास्तव में टाटा ग्रुप के रत्न है। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी अगुवाई में बुलंदियों पर पहुंचाया है। आज भी टाटा ग्रुप को मजबूती देने में काफी एक्टिव रहते हैं। वे आज 82 साल के हो गए फिर भी अपने समय के प्रति काफी सक्रिय रहते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान 2011 से 12 में टाटा समूह के राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई थी। भारत सरकार ने 2008 में उन्हें दूसरी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। टाटा सन, टाटा इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानक चेयरमैन रतन टाटा। इंडिया लिंक के माध्यम से मैं सबसे पहले टाटा रतन जी को उनके बर्थडे पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मालिक ने उनको बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते आए हैं। खास करके जो कैंसर टाटा के लिए जो उन्होंने काम किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो आज एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज बहुत सारे लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और इतना अच्छा हॉस्पिटल, जो इतनी अच्छी अच्छी मशीनें, इतना अच्छा अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद इस चीज़ का भी दूंगा। दूसरी बात, के रवि जी जिन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, आप लोगों के माध्यम से सारे मीडिया के लोग यहाँ पे आए, टाटा रतन जी का केक हम सब ने काटा, दिलीप भाई आए, हम सब लोग आए और जो कैंसर पीड़ित हैं उनको कुछ गिफ्ट दिए गए, कुछ अभी कंबल दिए जाएंगे, शॉल दिए जाएंगे और उनकी मदद के लिए जो काम हो सकता है रवि जी के माध्यम से हम सब लोग हाजिर हैं। जो मदद होगी करते आए, करते रहें। ऐसा है कि मैं पिछले बचपन की 11वें साल से उम्र से समाज सेवा का काम करता हूँ। समाज में विभिन्न तरीके की सेवाएं होती है और हम करते आए विभिन्न विषय को लेके, विभिन्न समाज को, विभिन्न प्रदेश को लेके, शहर को लेके, देश में हर जगह हमने काम किया है। पर जब से मैंने 20 साल पहले इवेंट कंपनी खोली है, तो इवेंट का मतलब ये होता है कि आपको बहुत पैसा और नाम कमाना है। इवेंट का मीनिंग ही हुआ है, एक इवेंट मतलब चकाचौंध वाली चीज़ होती है। 20 साल पुरानी मेरी एक रजिस्टर कंपनी है, मैंने सोचा क्यों ना इवेंट के अंदर समाज सेवा की जाए। तो आज 20 साल से हम लोग अलग 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 विषयों के ऊपर पैसे न कमाते हैं, सिर्फ समाज सेवा करते हैं। पिछले 2-3 सालों से मैं ये सोच रहा था कि भाई पॉलिटिशियन लोगों के बर्थडे बनते हैं, बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, क्रिकेटर लोगों के मनाए जा रहे हैं, मैं तो कई फिल्म स्टार लोगों के बर्थडे में अक्सर रहता हूँ, तो क्यों ना हम ऐसा बर्थडे मनाएं कि जो बर्थडे हमारे देश के इकोनॉमिस्ट वाले लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने रोजी रोटी के माध्यम से आम आदमी के लिए फैक्ट्री वगैरह डाल के, मिले वगैरह डाल के लोगों को एक नए मुकाम के ऊपर, अच्छे मुकाम के ऊपर लाके खड़ा किया। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी का जन्मदिन है और जन्मदिन ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिसके नाम से कितने परिवार चलते होंगे, अनगिनत परिवार चलते होंगे, ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है। और के रवि जी ने जो ये बीड़ा उठाया उनका जन्मदिन मनाने का, और वो भी कैंसर पेशेंट्स को कुछ उपहार देके, उनके ज़रूरत के चीज़ों को देके, ये सोच के रवि जी का मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से। और आप लोग के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के रवि जी ने ये सोच रखा है कि उद्योगपति जो भारत में हिंदुस्तान को बनाने में जो एक ईंटा रखने का काम किए हैं, परिवार को जोड़ने का काम किए, परिवार को रोजगार देने के काम किए, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें सम्मान देना चाहिए। ये सम्मान देने का ही दिन है और इसके लिए मैं के रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कर। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूँ। मैडम हमारे यहाँ यही जहाँ बैठे हैं वहाँ के जिला अध्यक्ष है, और के रवि मेरे काफ़ी पुराने 20 साल के दोस्त हैं, और ये जो उन्होंने कार्यक्रम किया इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है।
सबसे पहले एक मतलब कि रतन जी टाटा जो हिंदुस्तान के स्वतंत्र के पहले और स्वतंत्रता के बाद दोनों समय तक आज तक वो जो टाटा ग्रुप है, टाटा इंडस्ट्रीज है, एक नंबर है, और उनका आज 81th बर्थडे उन्होंने मनाया। और सेकंड थिंग कि कैंसर पेशेंट, तो कैंसर पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधा है इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। एक डेलीगेशन सन्माननीय रवि साहब के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे, क्योंकि 30 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार है और उसी समय जो विस्तार में 30 तारीख के बाद हेल्थ मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री जो रहेंगे उसको जाके हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा। उसके पहले हम लोग बैठेंगे और क्या 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 सुविधा है उसके बारे में हम लोग पहले सोचेंगे और उनके सामने पुटअप करेंगे। जिला अध्यक्ष जी, मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर सुरैना रानी मल्होत्रा। और मैं एज अ पॉलिटिकली, इन्होंने जैसे बोला कि ये जो सब चीज़ें हैं जो कैंसर पेशेंट्स को जो अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उनको सब उनके रिलेटिव्स को सुविधा मिलनी चाहिए, इसका फॉलोअप हम हमारे पार्टी से, मुख्यमंत्री साहब से, सबके एक हमारा डेलीगेशन बना के हम लोग वो तो करेंगे ही। मगर एज अ डॉक्टर मैं एक बोलना चाहती हूँ कि कैंसर के लिए अवेयरनेस, अर्ली साइंस ऑफ कैंसर डिटेक्शन, मतलब जो जल्द से जल्द तुरंत जो पता चले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में सब लोगों में जानकारी फैलाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।